सीधी से बड़ी और दुखद खबर ही बता दी कि सीधी माँ जानवर चरावे के दौरान एक व्यक्ति के प्रपात में गिरे के जानकारी सामने आई रही, जिसके बाद चार दिन बाद बता दी कि युवक के शव बरामद बाबर जो भी की जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो भैंस रही ओके बच्चा का बचावे खातिर ग्रामीण प्रपात में उतरे रहे, जिसके बाद बच्चा का तो बचा लेकिन पर खुद का नहीं बचा सके और उनका दुखद मौत हो गई। तो विदेश क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सबजन का प्रणाम कहते शुरू कहते दुखद खबर से बता दें कि सीधी माँ यह घटना सामने आई रही। बता दें कि रामपुर नैकिन गांव के भीतरी गांव के पन्ना पहाड़ी जलप्रपात के लगे 29 नवंबर का यह घटना सामने आई रही, जहां पंचम साकेत अपन भैंस चरावे खातिर पहुंचे रहे। बता दी कि चारा खात खात भैंस के बच्चा प्रपात में गिर रहा और बच्चा का बाहर निकाले खातिर चरवाहा पंचम साकेत घलाए पानी में घुस गए। बता दी कि पानी में घुसे के बाद भैंस के बच्चा का तो सुरक्षित निकाल लेकिन पर खुद का नहीं बचा सके। बता दी कि पानी में बूढ़े के कारण पंचम साकेत के लगातार खोजबीन जा रही है और आखिरकार चौथा दिन बता दी के खोज जो नहीं भय सफल भय और पंचम साकेत के शव बरामद हुआ है। बताया जाता है कि 55 साल के पंचम पानी के भीतरे से भैंस के बच्चा का निकाले के समय इतना थक चुके रहे कि खुद पानी के बहरे नहीं निकल पाए और पानी में बूढ़े के कारण उनकर मौत हो गई। पन्ना पहाड़ी के जलप्रपात के गहराई की अगर बात की जाए तो गहराई यहाँ इतनी अधिक ही भय कि SDRF के सीधी जबलपुर के टीम का चार दिन तक कड़ी मशक्कत करे पड़ी तब जाए के बता दी कि सुबह 9 बजे शव का पानी के भीतर से निकाला गया है। बताया दी कि पोस्टमार्टम के बाद शव के अंतिम संस्कार खातिर उनकर परिजनन का सौंप दिन गहब है। मृतक पंचम साकेत के शव का निकाले में सीधी SDRF के CK तिवारी और जबलपुर के 5 सदस्यीय टीम के साथ चौकी प्रभारी विप्रा द्विवेदी और बड़ी संख्या में लोग रहे। बता दी कि चार दिन तक लगातार सर्चिंग की गई और आखिरकार सर्चिंग तो सफल भय पर जोनों के बाद की जानकारी रही बेहद दुखद रही। पंचम साकेत के दर्दनाक मौत हो गई। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल। दी इजाजत, प्रणाम।